पूरे प्रदेश में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह से सनसनी फैली हुई है। इसी का नतीजा है कि मंदसौर, नीमच और रायसेन में भीड़ तंत्र ने मोर से लेकर बच्चा चोरी तक के संदेह में मानसिक रोगी बुजुर्ग की पिटाई की। ताजा मामला बैतूल का है, जहां बच्चा चोरी के संदेह में बीती रात एक मानसिक रोगी बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक मानसिक रोगी है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। सर मैं तो यहाँ मतलब मेरा मानना तो यह है कि ये झूठ है या सच है। बाकी हमारे यहाँ आसपास से मतलब हमको खबर लगती है कि यहाँ आए थे कि वहाँ आए थे, और मतलब हमारे यहाँ भी झिंझरी गांव में से भी पता आता सर हमारे यहाँ, तो सच थे मतलब बात सच ही रही। और हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, तो हमारे यहाँ तो हम सर 8-8, 10-10 लोगों के ग्रुप में जगह जगह में मतलब जगनेर कर रहे हैं, मतलब जागरण कर रहे हैं रात रात के 2-2, 3-3 बजे रात तक के। और बच्चे भाइयाँ तो मतलब सो ही नहीं रहे सर डर के वजह से। सर तो ये क्या है, हमारे खुद के समझ में नहीं आ रहा सच है या झूठ है सर। ऐसी तो कोई अफवाह अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। अभी आप बता रहे हैं तो इसको अभी संज्ञान में लेकर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाएगा, सचेत किया जाएगा। और कृपया करके आप लोग भी लोगों के मध्य में जरूर बताएं कि ऐसी अफवाहों पर विशेष ध्यान ना दें, और ये कोरी झूठी अफवाहें हैं। अभी तक ऐसा संज्ञान में नहीं आया हुआ है, ये एक विक्षिप्त व्यक्ति जरूर पकड़ में आया हुआ है, जिसका पूरी पता रसी की गई है, जो मधुबनी जिले का है। उनके परिजनों से भी बात हो गई है और संबंधित थाने पर भी बात हो गई है। उनके परिजन आ रहे हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, तो उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाए।